हीरे मोती मैं ना मांगूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा। ये शरारत, ये मस्तियाँ। तो गाइस हम अभी मॉल में हैं, देखो मैं नया शर्ट ले रहा हूँ, बताना कैसा लग रहा मेरे को। बाकी सॉन्ग हम आगे सुनाएंगे आपको, और देखिए। तो गाइज इस तरह से थोड़ा सा मस्ती टाइम चल रहा, और तो गाइस आज थोड़ा सा हमारे मस्ती, अब सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं दरवान भोरेवाल। तो गाइज आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे आज मैनेजर साहब और हमारे तंदूर सेफ। तो गाइज हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। टुडे हमारा ऑफ है, तो हम प्रोग्राम कर रहे हैं अभी जाने का। तो कहाँ जाने का प्लानिंग है ये साहिब? हम आपको ले जाएंगे गोरखपुर का सबसे फेवरेट जगह है नौका विहार, जी 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 तो वहीं जी विजिट करेंगे। जी बाकी जी हरदा बैठे हमारे सामने, जी शर्माते जी बहुत है कैमरे में एकदम ना, हाँ पहली जी हाँ जी बार आ रहे हैं हम लोग, वैसे आते जी नहीं हैं, बहुत कम जी आते हैं। तो सभी हम भाई लोग उत्तराखंडी हैं, बस भाई बस लोग गरुड़ से हैं, मैं बागेश्वर सूपे से हूँ। और बाकी चलते हैं आगे को, कैसा क्या माहौल शूट रहेगा करते हम रहेंगे बताएंगे हम लोग। आपको। बस माहौल तो भी थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, मौसम थोड़ा गर्मी हो रही बाहर। बाकी हम दिखाएंगे अभी आपको होता क्या है जी कैसा आगे। जी जी चलिए मिलते हैं आगे से। तो आगे को निकलते हैं, हम धीरे धीरे निकल रहे हैं। बस बस तो कुछ अभी छोटा सा ब्लॉग हम आपको शेयर भी शूट करने करेंगे वाले आज, हैं। ये यादें रह जाते, एक टाइम रहेगा, एक ऑफ टाइम का कि हमारे ये सब कुछ था करके। जी 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 चलो नौका विहार, नौका विहार तो चलो गाइस चलते चलते हैं। हैं और बहुत इंजॉय के साथ हम आगे को निकल रहे हैं। देखिए आज हम तैयार हो चुके हैं और हमारे फैमिली हैं, हम लोग पूरे एक साथ फ्रेंड ही हैं, ग्रुप हम हैं लोग सब रहते हैं एक साथ। और बहुत अच्छे से एक साथ रहते हैं। तो गाइस निकलते हैं अब, ये हमारा और फर्स्ट टाइम है यार, हम भी हंसना नहीं है आप लोग, पहले में जी पहली बार है। चलो बाय बाय। तो गाइस ये हमारा छोटा सा आशियाना है, रूम है रहने का। तो गाइस आप लोग भी समझते होंगे कि शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस तरह के। तो गाइस हम छोटे से रूम है तो इसी में हमारा रहने का है। तो गाइस निकल रहे हैं आप, तो आगे का विजिट करते हुए हम आप लोगों को शेयर देखो मैं करेंगे। कैसा लग रहा हूँ, वैसे स्मार्ट लग रहा हूँ क्या। हाँ देखिए बहुत हैंडसम, और सारे उत्तराखंडी भाई हैं तो हाँ हरदा तो कुछ बोलते नहीं है, हरदा कुछ बोलो आप पीछे से, हाँ चुपचाप ही बोलो आते बोलो, नीचे चुपचाप ही चल रहे हैं क्योंकि उनको ठंड। ठंड लगी है ना साहिब, और सबसे ज़्यादा शॉपिंग उन्होंने ही करना है हाँ, उनकी शायद। शॉपिंग हम भी करेंगे हम, जाएंगे फिलहाल जी, तो ये। हमारा ये साइकिल है नथुलाल जिसको बोलता हूँ मैं, और बाकी हमारे तीन तीनों फ्रेंडों के एक एक साइकिल है। तो गाइज हम निकलते हैं गेट से बाहर ये अभी देख दौड़ते रही है, हुए। अभी दादा हमारा निकल रहे हैं, इन्होंने अपनी धंधे स्टार्ट कर ली, तो मैं इनको शूट करूंगा, देखना इनका रॉयल लुक दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। अगर आए ना आए अच्छे से, लेकिन देखिए बहुत अच्छे, कोशिश बहुत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करें इनको, मेरा कहना यही है, अच्छे से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। ये हरदा और देखो, हरदा शर्माते हैं बहुत ज्यादा हाँ बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। तो गाइज अभी अजय जी हम साहब भी आने वाले हैं हमारे, तो उनको शूट करते हुए हम निकलेंगे। और हम रुक रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा उनका भी वीडियोग्राफी ले लें, और आने वाले हैं वो। और तो आ रहे हैं हमारे अजय जी हम साहब। तो गाइज सपोर्ट कीजिएगा अपने उत्तराखंडी भाई को। और तो हमारी लाइफ स्टाइल इसी तरह से है, खासकर जो होटल लाइन में जॉब करते हैं किस तरीके से रहते हैं, तो वो सब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों को लगता है कि शहर में है बहुत, अरे हमको भी ले लो पीछे से, हाँ हमारे तो पीछे ले रहे हैं तो ले रहे हैं, आपको ले रहे हैं, बस कैब अच्छे से ले आइएगा, कहीं गिरे ना, बहुत सस्ता है वो। हरदा को दिखाओ, हरदा हरदा को रोको आगे, हाँ हरदा हाँ तो भागे जा रहे हैं आगे भागे जा रहे हैं शायद, उनकी नथुलाल देख बहुत रहे हैं, स्पीड से चल रहे। मोटिवेशन धूप लग रही है अभी थोड़ी तेज। हरदा बोले नहीं, हरदा बोलो कुछ आगे से बोलो आवाज बोलो। आओ आओ कैमरा आगे आगे देखो, बोलो, आगे ये चलो। तो आगे आगे बोलो, कैमरा आगे बोलो तो। हाँ तो मैं तो टोपी डाल दिया हाँ देखो। देखो आर्मी बरोल लग रहे हैं अभी तो, बिल्कुल आर्मी वाले, क्योंकि आर्मी की चॉइस हर उत्तराखंडी भाई को होती है, बट नहीं हो पाए हम लोग भी, तो अब आगे कोशिश हम बहुत की, रूट में हाइट से ही जो बाहर कर दिए थे तो क्या करना था। तो गाइज अभी हम मेन चौराहे मोदीपुर पर पहुँचे हैं, ये रेडिसन है सामने, रेडिसन बिलो। तो गाइज अब निकलते हैं धीरे से,
बस मैं तो बहुत पीछे रह गया। कोई बात नहीं, आ जाइए आराम से आ जाइए, आप आगे से चलिए। जी जी, तंदूर शेफ कहाँ गए, दिख नहीं रहे अभी। हमारी आवाज़ कम आ रही होगी पीछे से, बहुत कम। हाँ हाँ आ रही है, माइक सेटअप कर रखा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग आराम से आ जाइए। अब सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए अभी ये है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो साइकिल से है और ट्रैफिक में हम अभी, और तो पूरा जाम रहता है, फिर कैमरा भी शूट कर रहे हैं, और खासकर डर ये भी लग रहा है कि कहीं कोई फोन लेके ना भागे। उड़नजू जो चलता है गोरखपुर में, जो यहाँ का सबसे फेवरेट चीज है, रोड पे निकलो तो ऐसे शर्माते हैं। जी जी, तो लोग ऐसा भी करते हैं, खासकर कोई भी अपने ब्लॉगर भाई होंगे, ब्लॉग बनाते होंगे, तो रोड पर बहुत अच्छे से शूट करना, ताकि कोई फोन छीने ना, क्योंकि फोन छीनने में तो देरी नहीं होती है, रोड पर चल रहे हो तो वीडियो शूट कर रहे हो, अदर इंसान कोई। फिर आजकल आप देखते हैं लड़कों को कि कैसे कैसे ले जाते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं चलता कब आया, कब लेके, कौन गया, कहाँ को गया, देखते रह जाओगे हाथ में। वही तो इसीलिए अपना एकदम संभल के चलना होता है, क्योंकि बाहर रह के बहुत चीजें सीखने को भी मिलते हैं, बहुत चीजें खोने को भी मिलता है कि नहीं बोला। और सुना बोला, फिर थक गए हो क्या? थक नहीं गए हैं, साइकिल में बहुत हालत खराब हो रही है मेरी। तो गाइस हम अभी रेडिसन से काफी आगे नौका बिहार की साइड निकल रहे हैं। अभी जैसे पहुंचेंगे ना, अब तब देखना, आप बोलोगे जैसे हम नैनीताल से निकलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, सेम लगता है उधर की जैसा। जी जी जी, वही उसी का इंतजार हो रहा है, लेकिन वहाँ जाने का यहाँ अंधेरा नहीं हो जाए वहाँ जाने जाने तक, तो कोशिश करेंगे हम, कोशिश तो इतना करेंगे पूरा दिखा लें। जी जी, आज आपको यहाँ का फेवरेट स्पेस यही है गोरखपुर का, अगर आओगे एक तो गोरखनाथ, एक दूसरा यही है नौका बिहार। नौका बिहार सबसे मतलब हाइट लिस्ट पर, मैं तो गाना भी गाता हूँ, और जगह भी बहुत अच्छी है। हाँ गया हूँ वैसे मैं बहुत बार वैसे, लेकिन ब्लॉगिंग में आज फर्स्ट बार ही दादा के साथ आया हूँ, आज एक साथ सबका ऑफ था, तो कहा कुछ यादगार किया जाए, तो कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉगिंग करें, ताकि आगे को कुछ हो सके या हो ना हो, कुछ नहीं भी हो, यादें रह जाती हमारी, जिंदे रहेंगे और यादें बनी रहेगी। और तो गाइस देखते हैं काफी ज्यादा, अब मैं सबसे बड़ी विडंबना मेरे लिए है ना, हरदा को कैसे रोकूं, इतना शर्मा रहे, भागे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं तो कभी पीछे, अभी तक तो वीडियो में ना के बराबर बोले हैं, आए ही नहीं है कहीं। जी जी, और आ रहे हैं तो सकल इधर उधर कर दे रहे हैं। जी जी जी, लेंगे अभी आगे जाके, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन अभी देखिए, अभी आइसक्रीम भी खाएंगे ना आगे को, आगे खाएंगे वहीं पर बोलेंगे। नहीं मुझे तो गर्मी लग रही है, मैं खाऊंगा नहीं आइसक्रीम, ऐसे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो देखिए पसीना पूछ रहा हूँ पूरा, बहुत कटा आज मेरा, तुम्हारा भी दिखाऊंगा, गर्मी से मेरे हाल खराब हो रही, सच बता रहे हैं आपको। हाँ बस मैं, मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, एक साइड से बंद भी हो रहा है, एक साइड से उमस टाइप की हो रही है, उमस बोलते ना पानी में, वैसे ही हो रहा है बिल्कुल सेम, तो कोशिश रुका नहीं जा रहा है कि अब जल्दी से जल्दी हम जहाँ हाँ वहीं निकलते हैं, तो वहाँ पर शायद सुकून मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा, वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, वहाँ धूप भी होगी तो फिर भी लगता है कि पूरा ताल है ना, अभी हम दिखाएंगे आपको, अब देखिएगा कैसा लगता है, भीमताल की तरह नजारा है। हाँ जब हवाई से आते हैं ना दादा नीचे को, ऐसे लगता है, कह रहा हूँ मैं तो कितनी बार गया, जब भी रहूँ छुट्टी में अगर मौका मिलता है तो जी जाते हैं। जी तो गाइस बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सुकून है, हॉलीडे का टाइम है, और हम लोग इसी तरह से साइकिल में ही, इसी तरह से निकलते हैं हम, साइकिल से ही हम ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि यहाँ गाड़ी घोड़ा तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम किराए पर रहते हैं, अच्छा गाँव में तो रख सकते हैं, तो गाँव में भी अभी प्रॉपर रह नहीं रहे हैं, तो कहाँ से लेंगे हम, रहना खाना सब यहीं, वहाँ चार दिन गांव जाना हुआ बस, बाकी तो 14-15 साल मुझे हो गए। देखो हरदा, देखो हरदा कट दिखाते हैं साइकिल, जो मन तो करता है उठा के उस वाले ट्रैफिक में रोक दे उनको, भागे जा रहा है कैसे। हाँ, तो उनकी साइकिल बहुत तेज भाग रही है ना, फरारी है इनकी फरारी, रुकते रुकी नहीं रहे पीछे से, मन कर रहा उठा वो साइड रख दू। हाँ तो यहाँ पर गुड्डों की दुकान, गुड्डों की दुकानें हैं, और इसको ले चला गया नहाने के लिए, अब तो ठंड आने वाली है, अभी तो ठंड नहीं पर बच्चों के लिए ही होता, बुलाया हम लगा देंगे रूम के बाहर। हाँ एक बच्चा लेके आएंगे, यूबी को ले आएंगे, यूबी आ जाएगा, शायद यूबी होता अभी तो फिर हम लोग चाहिए, पापा चाहिए और खरीदना पड़ता मुझे, हम भी बैठ जाएंगे, देख रहे बड़े बड़े हैं, हम भी आ जाएंगे उसमें छत्ते में लगा के आराम से। हाँ तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, परेशान इतने हैं ना ट्रैफिक से, बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मन कर रहा है ना एक जगह खड़े होके ब्लॉगिंग करें, जहाँ भी करें वही, क्योंकि चलते में बहुत दिक्कत हो रही है अभी हम लोगों के, वही तो गांव पास आना, फिर माइक सेट नहीं हो पा रहा, फिर साइकिल से इधर उधर ना एक जगह, इस तरह से गुड्डों के शॉप भी है गाइस, आप लोगों को भी अगर विजिट करना हो, कभी लेना हो तो आ जाइए, ये सीधे रोड पर है, लखनऊ वाली रोड है सीधा, ये बाईपास वही है ना, बाईपास हरदा, मेरे को लग रहा है सीधा अल्मोड़ा जाएंगे यहाँ से। अल्मोड़ा तो नहीं रहे पहुंच पाएंगे, वहां से फिर ट्रेवल करना पड़ेगा, तो रुक ही नहीं रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
हाँ तो अब देखिए ऐसे देखना तो उस वाले ट्रैफिक तरह से बहुत अच्छा व्यूज हो रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम के हिसाब से बंद जैसा लग रहा है, लेकिन अब देखो मैं दादा को दिखाता हूँ, उनका हाथ देखना, उनका हाथ कटा दिन में सिलेंडर बनाने गए हुए थे छोटा, साइकिल में लेके चले गए। अब देखो तो गाइस ये देखिए मेरा उंगली कटा आज सिलेंडर की वजह से, तो अभी खुल भी गया पट्टे क्योंकि काफी ज्यादा कट गया था, तो सिलेंडर से साइकिल चलाने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं, कट फिर भी हम निकल ही गए, आज निकल ही गए तो आज कर ही देंगे धमाल। हाँ तो चाहे कुछ भी हो, जाना है तो जाना है, हम उत्तराखंड हम कहीं से रुकने वाले नहीं है। हम तो सोच रहे हैं यहीं से सीधा साइकिल में उत्तराखंड पहुंच जाए, चलते चलते ब्लॉग बनाते, ब्लॉगिंग करते करते एक महीने का ब्लॉग रहेगा सीधे वो। हाँ तो एक दिन करेंगे, एक टाइम आएगा कि हम मैं दिख रहा हूँ, मेरे को निकालो अच्छे से यार, साइकिल उड़ाओ क्या मैं हरदा, तो बाप रे बाप रे। तो गाइस बने रहिए यार, बहुत स्पेशली होने वाला आगे को, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम। हाँ। मैं तो ये तो बनाते ही हैं, आप देखते भी होंगे, लेकिन मैं तो फर्स्ट टाइम ही आज एक साथ ऑफ था, तो बोले चले के घूम के आते हैं कि याद भी रहेगी, फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना था, और बाकी मेरे को पसीना इतना ज्यादा होता है ना, मैं रोक नहीं पाता अपने पास। तो गर्मी तो है ना बुला, अभी गांव में तो वीडियो में ऐसा दिख रहा है ना कि मौसम जैसे बंद है अभी, लेकिन उमस हो रही है, उमस की वजह से हो रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा सीन शॉट लगता है इधर, अभी उमस की वजह से एकदम साफ नहीं दिख पा रहा हूं मैं, बना दूं फरारी और इन्होंने तो एकदम ये टाइगर बाघ बनी है साइकिल में ही। तो गाइस मैं तो काफी ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, साथ में कैमरा भी चालू है और साइकिल भी चला रहा हूँ, तो शायद काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। खैर कोई नहीं, ब्लॉग हमारा अच्छा लग रहा है, बनने वाला है, तो बस मुझे इंतजार है नौका बिहार पहुंचने का। हाँ तो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे, अब यहाँ से लगभग लगभग 4-5 मिनट का रास्ता होगा मुश्किल से, बस बस फिर वहाँ पहुंचने के बाद तो बहुत सुकून है, भीड़ भी बहुत रहती है वहाँ पे ना। हाँ तो अभी क्राउड नहीं होगा क्योंकि अब हम रुके हैं, पीछे से कुछ लोग थे जो बोल रहे थे ब्लॉगर हैं क्या, ब्लॉगर हैं क्या, तो हमने कहा ब्लॉगर नहीं है, बस ऐसी वीडियो बनाते हैं कभी कभी यादगार के लिए। दादा तो बोल भी रहे थे सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल तो गाइस काफी ज्यादा सब्सक्राइब भी मिले हमारे सब्सक्राइबर जो भी, पीछे से आवाज मार रहे थे रुको रुको करके, मैं फिर रुका नहीं, चलिए अब आइए तुम पीछे से, हम जा रहे हैं हरदा को पकड़ते हुए जाता हूँ भाग रहे हैं। तो गाइस अभी कल स्वतंत्रता दिवस का टाइम है, तो कल आने पूरी दुकान है ऐसी होगी। ये देखिए हमारा नौका विहार का गेट है, ये दिन में इतना अच्छा नहीं लगता, शाम को अगर आएंगे आधे टाइम लगेगा ना, चीजें हम तब दिखाएंगे इसका गेट, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इधर से आगे निकलते हुए फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आगे को देखिए, हरदा आगे निकल गए क्या, हाँ हाँ निकल गए, भाग गए वो तो काफी ज्यादा, ये शर्म लगती है इनको, पता नहीं जल्दी उनको शर्म। Oh my God. मैं भी भागता हूँ सीधे, तुमको वहीं मिलूंगा गेट से आगे, ठीक है। अच्छा तो मैं ही सबसे पीछे रहूंगा शायद, मुझे लग रहा क्योंकि यहाँ क्राउड भी ज्यादा ही है, सबसे ज्यादा क्राउड है इस एरिया में, भीड़ भाड़ रहती है। देखिए अब शुरू हो गया वहाँ का बॉर्डर हमारे, पीछे आ गया, दोनों रुके हरदा, जो पीछे हो गए जल्दी जल्दी आ जाइए, बस जस्ट आगे रुकना वहाँ पे, जस्ट आगे, जी 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 जी। ओ पूरा बना दिया, अब सीता बना दिया। तो गाइस अभी हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, कहाँ पर, वही नौका विहार की स्टार्टिंग में है हमारा, ये देखिए ये आगे का व्यू देखिए, अब आप उस साइड से पूरा अच्छा लगता है बहुत ज्यादा, तो सब देख सकते हैं आप, सब लोग यहाँ पे पुलिस पुलिस वाले भी सब ऐसे रुके हैं ना, टाइम स्पेंड करते हैं, एक सुकून मिलता है। तो यहाँ पे जैसे सुबह शाम वॉक करने के लिए भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा भी है। दादा तो हमारे शाहरुख खान लग रहे हैं, शाहरुख खान तो कही जाए, शाहरुख खान ही लग रहे, देखो ये शाहरुख खान, अब बगल में हरदा पता नहीं है या नहीं है, कोई पता ही नहीं चल रहा है इनका, ये तो हमारे साथ एक चल रही है मतलब, क्योंकि वो ज्यादा बोलते नहीं है ना, शर्म ज्यादा लगती है, मस्त है कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन साथ दे रहे हैं, साथ हैं, लेकिन साथ में चल रहे हैं, तो वही सबसे बड़ा है। अभी मिलाएंगे जब एक बुरा कपड़ा लेंगे निकले, आज गर्मी भी ज्यादा ही लग चुकी है, तो गाइस अभी ये टाकेज, हम जो है उधर से आए हैं पूरा, जो है ना ये बुल्लो वाले ये ट्रैक इससे आए हैं पूरे घूमते, तो यहाँ तक आने में इतनी गर्मी लग रही है, तो गाइस अभी तो हम निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ, यहाँ से निकलते हैं आगे को, दादा कुछ बोलना है तो बताओ फिर यहाँ पे, और नहीं तो चला आगे चला। काफी ज्यादा थक भी चुके हैं, बस नथुलाल भी टेढ़ी हो गई शायद, लग रहा है इसको भी थकान ही महसूस हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो गाइस फिर निकलते हैं हम आगे का विजिट करते हुए, और आप लोग भी बने रहे देखिए, और लास्ट तक वॉच कीजिएगा वीडियो का, अगर अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। अब देखिए आइसक्रीम पे आ गए हम, तो गाइस अब आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा, और सामने से वोट कर रहे हैं लोग, हम तो करेंगे नहीं क्योंकि बोट करने में इस टाइम पर मजा नहीं आएगा, वो मॉर्निंग के टाइम पर मजा, टाइम में अच्छा लगता है मॉर्निंग, या फिर एकदम या तो हल्की हल्की बारिश होना, तो ये
हरदा कितना खाओगे, दो तीन? अरे हरदा क्या छीन दिया, नहीं दे रहा क्या? पानी पिलाओ यार, पानी पानी पिलाओ, पानी प्यास लगी है तो आइसक्रीम दे रहे हो तो नहीं, मैं नहीं खाता आइसक्रीम, तुम ही खाओ। हाँ तो सबसे पहले हम थोड़ा सा वाटर ले लेते हैं, ये हमारा बोतल है, आप लोग भी पी सकते हो। ये उन्हीं बोलते हैं गांव में साँख साँख, जिससे पानी ठंडा रहता है वही समझो, उसको साथ ही रहता है वही है, ये हर हमेशा हमारे साथ रहता है क्योंकि हम इसके आदि भी हो चुके हैं, आप लोग भी शायद करते होंगे कई लोग। हरदा हरदा देखो, हरदा हरदा देखो, इसके में देखे मैंने दो दो पकड़े हुए हैं। कौन सा है? केसर पिस्ता। केसर पिस्ता अब बोले लो पानी। हाँ पी लो, पी लो, आराम से पीना बुला, थोड़ा धक्का मार दूंगा, डाल दूंगा, हो गया हो गया, और पी लो बुला, और पी लो। तो आप पियोगे? नहीं आप नहीं पी रहे हो। आइसक्रीम खाओगे? नहीं नहीं अरे खा लो, चलो केसर पिस्ता है। हाँ भाई बंदर की तरह पर, और पीछे गिरेगा ना तब बोल रही बंदर की तरह खोल के। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं गाइस, और आइसक्रीम खाने में तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, लेकिन हमें भी अच्छा ही लग रहा है अभी। मैं तो खा नहीं रहा हूँ, खैर ये लोग खा रहे हैं तो हमें तो गर्मी में तो आइसक्रीम सबसे पहले चाहिए होता है। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको इधर का गाइस, इनको खाने दो। ये देखो ये लगे पड़े हैं आपस में दोनों लोग, अब मन तो कर रहा है कि एक छोटी वीडियो बनाऊं इंस्टा डाल के। तो गाइस अब हम वापसी, टी टाइम है हमारा, शाम का 5 बज चुका, नहीं 6 बज चुका। ये छोटा सा स्टॉल है नौका विहार के जस्ट सामने, ये कुल्लर चाय इधर के वैसे फेवरेट लोग बोलते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको कैसा है। हरदा तुम बताओ, अच्छा है लेकिन थोड़ा वो कम था, शुगर कम लग रहा है इसमें। तो गाइस टी का टाइम हो रहा हमारा, अब टी पीते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। पीछे से हमारे लड़कियां भी बैठे, मुझे तो शर्म लग रही है, इधर को मेरे स्टूल इधर कर लो। हरदा तो हरदा कैसे है बोला, चाय कैसी है? चाय अच्छी है लेकिन थोड़ा बहुत शुगर कम है। अच्छा शुगर कम लिया करो बोला, क्योंकि ये गुड़ मिश्री खाने वाले ठहरे, शुगर कम का ये कोई मिश्री चाहिए तीन तीन। तब देखो पीछे का व्यू देखो, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना, सारी दुकानें ऐसी लगती हैं पीछे स्टॉल की। अच्छी तो जब भी आओगे यहाँ पे मैगी वैगी खाने वाले, तो जब भी आइए यहाँ पे आइए जरूर। अभी मैगी बोला है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कुल्ला टी जरूर पी लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम टी के मरीज हैं। अगर शुगर कम लगे ना तो कोई बात नहीं, मिश्री लाना हरदा के लिए। हाँ मिश्री या गुड़ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, होटल से शरबत बना के लाएंगे अगले बार से। तो फिलहाल मैगी का और इंतजार, मुझे लग रही भूख बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मैंने दिन में भी खाया नहीं खाना, थोड़ी सी बिरयानी खाई थी वो भी ऐसी पड़ गया, और आइसक्रीम खाए नहीं, और भूख के मारे तो यही मर रहे, हम तो आइसक्रीम खा के मस्त हैं ऑलरेडी, पसीना तो मत पूछ। और टी हम पी चुके हैं, और मुझे ढाबा का जो लगता है बोलते हैं कुल्लड़ में देता करके, बट के टाइम में देगा ना, अभी देख दे कैसे देता है। तो काफी ज्यादा एंजॉय हो रहा आज, बहुत मजे ले रहे हैं। हरदा बोल नहीं रहे चाय के चुस्के, चाय के चुस्के तो मजे से ले रहे कसम से। बुबू वाली चाय बुबू ने बनाई होगी, कौन से ये हमारे उधर साइड के हैं, बहुत फेमस चाय है, तो चेक करते हैं देखते। तो माय गॉड बहुत अच्छी चाय है, एकदम नॉर्मल शुगर है, और मैगी दे दो यार, भूख लग रही बहुत तेज। चाय बहुत कम है, चाय छोटा साइज पूछा नहीं उसने, कुल्लड़ का छोटा है। नहीं उसने कुल्लड़ का साइज पूछा है, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए करके बोला, बड़ा छोटे का मतलब क्या होता है, तो बराबर होनी चाहिए नहीं लार्ज, उसका रेट इसी हिसाब से ना। हाँ अच्छी शायद ये 25 रुपए के हैं, वो 50 का था। तो बाकी चाय में कोई दिक्कत नहीं, चाय अच्छी है, आप इसीलिए तो माना जाता है ये सब कुछ, यहाँ सारी दुकानें ऐसी लगी रहती है, लाइन भरी दिखाएंगे। जो मजा इसमें बर्तन में खाने में मजा है, तो कहते हैं ना लोग मैगी भी इसी में देते हैं बटके में, देखते हैं फिर। फिलहाल तो हालत खराब है मेरे, भूख के मारे रहा नहीं जा रहा मुझसे बिल्कुल नहीं बोल दो एक बार तो काफी ज्यादा भूख भी लग रही है अभी। हाँ। मैगी बनने में 10 मिनट लगे, अभी मैंने पूछा ही लोग खाएंगे, मैंने मना किया, अभी हरदा बोल दिया मैंने क्यों नहीं बोला, खाएगा तू भी, अरे शेयर कर लेंगे बात, थोड़ा थोड़ा तो खा लोगे ना आप लोग, मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं खा चुका हूँ, आइसक्रीम और टी मेरा हो चुका है, मुझे लग रही है सच में। और टाइम देखो अभी, अब टाइम क्या टाइम चल रहा है, अभी 5 क्रॉस हो गए ना बोला, 5:30 होने वाला है टाइम, 5:45। अब फटाफट हम चाय पियेंगे, और आज क्या बोलते हैं बुला के लिए मैगी नूडल आ जाएगा, तो हम खा पी के जल्दी से निकल जाएंगे, सीधे मॉर्न निकलेंगे हम बस। तो गाइस हमारा आ चुका है, ये है मैगी, दिखने में तो बहुत ब्लैक लग रहा है, बट कोई नहीं होम स्टाइल है, बहुत अच्छा भी बना होगा अभी देखिएगा, मुझे लग रहा है, बाकी टेस्ट बता रहा हूं मैं बताएंगे, गर्म होगा लेकिन अभी धुआं आ रहा है, जीवना चल जाएगा। हाँ तो आराम से खाना बोला। हाँ देखो हम आराम से कैसा बोला बताना, मैगी अच्छी है, अच्छा होगा क्योंकि होम स्टाइल लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सॉल्ट भी ऐसे लग रहा है, जैसे है ना ढाबे स्टाइल हम बनाते हैं, बिल्कुल एकदम एम्बुलेंस परफेक्ट मैगी बटके वाली, सबसे ज्यादा मजा तो जो मटके में दिए हैं उसी में मजा। तो
गाइज अब हमारा ब्रेकफास्ट शाम का हो चुका, अब हम आगे को निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाने का प्लान होता है। अभी रूम पर जाने का प्लान है, लेकिन चलते चलते कहाँ पहुँच जाएंगे ये भी कोई पता नहीं। छुट्टी हमारे, हम कुछ नहीं सोचते हैं। हम दादा का मन तो कर भी नहीं रहा, क्योंकि ब्लॉग बनाने में रहते हैं एक्साइट, और इनके पास आज पूरा मौका है, पूरा मौका है। सपोर्ट कर रहे हैं हमारे भाई लोग, तो सपोर्ट। अब देखिए सीधा मॉल, मॉल पर भी पहुंच गए। कौन सा मॉल है बुलाइए? ये हमारा विशाल मेगावाट। तो यहाँ विशाल मेगा मार्ट पर पहुंच चुके हैं गाइस हम। बहुत अच्छी, अब करेंगे शॉपिंग। शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग कौन कौन करेगा ये भी पता नहीं है, कोई सोच नहीं आया कि कौन करेगा नहीं करेगा। देखिए फिलहाल तो तंदूर सेफ तो देख रहे हैं, अरदा लगे पड़े, देखो पता नहीं कैसे देख रहे हैं ना। मैं कपड़ा लूं या देखूं, ये देखो ऐसे लगे पड़े। तो गाइस यहाँ पर कपड़ों की बहुत ज्यादा मतलब अच्छा ही रेट पर मिलता होगा ना, रेट अच्छा रहता है, कपड़ा भी अच्छा रहता है। मैं जब भी आता हूँ इधर से लेता हूँ अपने ना, शॉर्ट्स निकर वगैरह मैं सब यहीं से लेता हूँ। तो घूमते घूमते पहुँच गए गाइस, अब लेने का तो मन है नहीं, अब देखते हैं कि बैग ले लूँ क्या। बैग ऑलरेडी है बोला मेरे पास, घर जाते टाइम लगेंगे। हाँ टाइम है अभी। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ। हर दफा हमारे सेब ले, कितना लिए भाई? दो चार ले पसंद करेगा तो अच्छे अच्छे करता हूँ, तो देख रहा है कपड़े। हाँ ले लो फटाफट ना, मजा आ रहा है यहाँ। ये देखो बताना कैसा है, तो बना दे वाले लग रहे बोला, गिटार बजा दे दो देखो। ये मस्त लग रहा बोला, यही ले लो। वाइट हो ना तो ब्लैक अभी देखते हैं। नहीं मुझे कल 15 अगस्त मुझे चाहिए, नेता अगर मिलेगा तो मैं लूंगा एक शॉर्ट्स, तो नेता छोटा लूंगा है। पीछे वाले में लगे हुए हैं, पिछली बार भी आए थे तो लगे हुए थे, देखते हैं अभी उधर ही। टी शर्ट शर्ट तो नहीं लूंगा मैं, है मेरे पास। लेकिन सलवार जो है ना बहुत बेकार है थोड़ा, मतलब लो क्वालिटी का सलवार है, बाकी कुर्ता तो अच्छा है दिखने में, अच्छा बाकी क्वालिटी तो नॉर्मल। बुबू लगूंगा मैं, बुबू शायद एक बार पहनने के बाद फट भी जाएगा, लेकिन बुबू लगूंगा ना उसमें। अब हरदा को देखो, हरदा उसी काउंटर पे चिपके हैं, 50 टी शर्ट छू के रख दिए हैं, और लिए कितने अभी तक? मुझे 3-4 ही हुई है, तो बहुत है। 3 कौन सा लूट रहा है, बाय वन गेट वन देख रहा है क्या? 12-15 चाहिए इसको, ले लिया बहुत अच्छा यार वाला। ऐसे मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आर्मी आई लव यू आर्मी, ये मैंने ऑनलाइन भी मंगाया था, तो कपड़ा अच्छा है। जो कॉम्बो मैंने दे नहीं रहा था, दिखा नहीं रहा था दिन में, वही अच्छा है कपड़ा, है वही सब कुछ है। मजे ले रहे हैं, देखो आर्मी कलर का टी शर्ट पसंद किया, फिर वही रख दिया। फिर मेरे को देखो, ये देखो अब मैं बताऊंगा, ये जो शर्ट है ये गोरखपुर का एक इंस्टीट्यूट है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है रोबिन हुड, तो इनके वहाँ पे स्पेशली शर्ट की अपने आप में एक वैल्यू है, तो इस शर्ट को निकलोगे तो फूड डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं इनसे, तो बहुत ज़्यादा गरीबों को दान वगैरह करते हैं, तो हम भी इसी से जुड़े हैं, उसी बेस पे हमने टी शर्ट अपना ऑर्डर किया था। जी मैं कहा उसी को पहन के चलता हूँ आज, कम से कम लोग बोलेंगे अच्छे काम करना है बाहर। ये तो है, पर यहाँ पहनना उचित नहीं था, खैर कोई बात, ऐसे नहीं पहनना चाहिए इसको, बट मैंने कहा चलो पहन लेता हूँ आज, कोई बात नहीं। अच्छा जम रहा, मस्त लग रहे हो, आर्मी लग रहे हो फिलहाल तो, मेरा मन तो ऐसा कर रहा है डांस किया जाए। ये पीछे से ना यार, कहाँ से पीछे से लड़कियां देख रही हैं, हमें ब्लॉग बनाना चाहिए, हम और कहीं निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे शर्म लगती है मुझे ऐसे माहौल में। शर्म तो क्या, हमारे हाथ में वो ब्लॉग नहीं बोलेंगे, सिस्टम देख रहे हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई नहीं, मजे बात करो इनसे, बोलो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, खुद ही कर लेंगे जिस दिन। हरदा देखो, हरदा ये ले ले भाई, अब यही देखता रहे बस। कितने लिए? बस अरे पसंद नहीं आ रही है। ओ माय गॉड, ये कौन सा टी शर्ट है बोला? ये वाला लेने वाले। ओ माय गॉड, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा कैसा लग रहा, सूट कर रहा मस्त, एक नंबर पक्का। बेइज्जती मत मारो यार। नहीं नहीं सही बात है, छोड़ दो बेटा नीचे, ले लो बोला, ले लो काफी अच्छा लग रहा, ले लो। आगे जाऊंगा मैं, आगे इसको रहने दो, हंस रहे तो फेंको इसको वहीं वापस, फेंक दो। अरे तुमको लेना तो लो, वैसे कपड़ा अच्छा है। हरदा पता नहीं आज क्या सोच रहा है, जैसे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं वो, जहाँ तक लग रहा है। ये पर्दा खिड़की पे लगा लेना इसको, ले लो भैया। नहीं नहीं अभी नहीं लूंगा, मैं देख रहा था बस। अच्छा है पर्दा, अच्छा है, इसीलिए मैं देख ले रहा हूं। दे दो ना, ले जाएगा काउंटर पे, क्या करना है। हाँ चलो ठीक है, मैंने तो लेगा ठीक है। और बाकी देखते हैं आगे का हमारा। और ये देखिए तकिए भी लगे हैं, और बच्चों के लिए बहुत बड़े तकिए पिलो भी हैं, ये छोटा छोटा। ओ माय गॉड, बहुत स्वीटी लग रहा, बहुत ब्यूटीफुल, छोटे छोटे ब्यूटीफुल अच्छे लग रहे हैं। खैर हम क्या करेंगे, एकदम लो क्वालिटी में मिल जाएंगे आपको, लो प्राइस में, क्वालिटी अच्छी रहती है। क्वालिटी तो देखिए आपके हिसाब से है, किस इंडियन रुपए में क्या, इंडियन रुपए में क्या लोगे, 9 इसका प्राइस है। इसे सोफे पे रखने के लिए अच्छा है, सोफे के लिए ना, बच्चों के लिए। या बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, बड़े भी यूज कर सकते हैं अच्छे से करेंगे तो।
और बाकी यहाँ तक क्या भी लगे हैं सारे ब्रांड सब कुछ मिलेगा। अभी अभी थर्ड फ्लोर में जाएंगे ऊपर ना जी जी, उधर देखना तुम, वहाँ क्रॉकरी कटलरी ग्रोसरी का सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर सबसे बढ़िया मुझे तकिया नजर आ रहा रिलायंस कंपनी का है, वो काफी अच्छा लग रहा है, वॉशेबल है, वॉशेबल कर सकते हो आप धो के, मतलब यूज कर सकते हो, काफी अच्छा लग रहा है। और तो ये देख देखते हैं आगे निकलते निकलते क्या, यहाँ सारे शर्ट हैं और आज मेरे पास तो शर्ट है बहुत, मैं ढूंढ रहा था यार, मैं एक मिल जाए मेरे नेता का सलवार ढूंढ रहा हूँ आधे घंटे से, कोई जरूरत नहीं है। ये देखो हम पूज मारते हुए चल रहे हैं और जींस देख रहे हैं लगे हुए हैं काफी अच्छा, हरदा फिर वही काउंटर पे मिल गए। देखो ओ माय गॉड कितना खरीद रहे हो यार, चार पांच ही खरीदे और ले रहे क्या, और लेने चलो चल चल आगे बढ़ते रहे तो खोज या फिर दूसरे वाले काउंटर में चल। हाँ नीचे निकल लेंगे फिर फटाफट निकलते हैं दादा, इनको खोज रहे जो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ। हरदा तो मुझे नहीं लग रहा छोड़ेंगे, बस 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 लड़कियों की तरफ फोन भी आती मैं पकड़ रहा है वही तो बोल रहे हैं। तो खैर कोई नहीं, आराम से करने दो शॉपिंग, आप लोग नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन सेव कर रहे हैं तो आराम से करने दो और फिर निकलते हैं आराम आराम से। निकलते हुए फिर रूम पर निकलेंगे, फिर रूम पर जाके खाना वाना भी बनाना है, सब चीजें देखना है। देखो यार जो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा खाना वही बनाना है, टी शर्ट ढूंढ लो यार, ओ माय गॉड यार टाइम बहुत हो गया, अब निकलने का टाइम हो गया, रात के 9 ही हो गया अभी। हाँ तो 9 बज गया अब निकलने वाले, टाइम बहुत लगा दिया यार हरदानी, बहुत लेट करते हो यार। हाँ काफी दिनों के बाद ही कर रहे हैं शायद शॉपिंग, मुझे लग रहा है पूरा घर भाषा ये गढ़वाली में पहाड़ भाषा मामर कुमाऊं में, तो के बाद ना सब मस्त हो, लेकिन तुम सारे खान लग रहे हो बरोबर मजा भी आ रहा है और कब ज्यादा अब देखना एंजॉय लूं। मैं चल रहा इधर, अब ये देखो हम कच्चे और ये टी शर्ट लग अच्छा रहा है, ब्लैक टी शर्ट तो सबसे बढ़िया, छोटा हो रहा ना, छोटा है ना शरीर पे, मोटापा आ गया ना, अब मोटे हो गए हो, चिकन खा रहे हो रोज रोज, मटन खा रहे हो तो मोटे, नहीं तो क्या हो गए फिर। टी शर्ट अच्छा था लेकिन वो नहीं आया, बाकी ठीक है सब मस्त है। और अभी मैं टी शर्ट देखता हूँ यहाँ, ये देख लो वैसे अच्छे हैं, तुम खुले पहनते हो वैसे भी ना। हाँ ट्रायल करके आ जाओ, ट्रायल करके। हाँ तो चलो फिर आप लोग भी चलो साथ में, चलो वीडियो शूट करते करते चलो, देखते हैं अभी आगे आ जाओ पहले। चाचा क्या बोल रहे हो, ये वाला लेना है क्या? चाचा बोल रहे हैं ये ले लो, बोल रहे हैं बहुत सही लग रहा है क्या? हाँ चाचा को, चाचा ये सही लग रहा है ना, कौन सा ब्लैक या ब्राउन? ब्लैक वाला बोल रहे हैं, बोला ब्लैक वाला ले चलो, ब्लैक ले चलो, तुम दोनों ले चलो यार। हाँ दोनों ले चलते हैं, बोला दोनों करो ट्रायल, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर इसका प्राइस क्या है देखेंगे, प्राइस नीचे भी पता चल जाएगा। अब इनको ले चलते हैं हम कमरे की तरफ, यानी कि ट्रायल रूम। हाँ तो वहाँ चेक करेंगे और किस हिसाब से मतलब फिटिंग आए ना आए। ट्रायल रूम भी दो ही हैं, अब दो हैं, एक में हरीश घुसा है इधर वाले में, हाँ खटखटा रहा हूँ, बोल भी नहीं रहे हैं, नहीं नहीं इधर साइड बोला, इधर ये देखो दबा, एक ही कमरे में दोनों ट्रायल चल रहा है वहाँ। तो गाइस अभी ट्रायल कर रहे हैं हम कपड़े, देखते हैं किस हिसाब से हमें मैच करता है, अच्छा लग रही है। और बुला थोड़ा वीडियो शूट यहाँ मत करो यार, बंद दरवाजा बंद, ये मैं हूँ पहाड़ ठंडो पानी पिया ली, हेड़ सरो पहाड़ मेरा घूमे आली। ये देखो ये मॉल का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा आपको, ये लोग तो अंदर फंसे, मैं अकेला हूँ, देखो कोशिश तो करूँगा दिखाने की पूरी, लेकिन उतना दिखेगा नहीं ना। तो बोला कैसा लग रहा फिर? सलमान खान थे अब अमिताभ बच्चन में आ गए, बिल्कुल ढीला वाला अच्छा लग रहा है बहुत। हाँ, अच्छा इसी को ले लो तुम। हाँ तो ठीक है, बुलाइए दोनों एक ही साइज है। हाँ तो अभी गाइस अब ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो चुकी है, अब शायद हम हमारा निकलने का टाइम है, और चलो अब सारी लेडी का सामान, अब मैं निकल रहा हूँ ऊपर क्योंकि मुझे लेना है कोलगेट लेना है, रूम फ्रेशनर लेना है, मैं दिखाऊंगा बाद में आपको, तो मिलेगा तो लेंगे। तो गाइस आओ हम निकल, ऊपर जाना पड़ेगा ना, और अब ब्लॉग हमारा समाप्त की ओर है, फिर निकलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, नेक्स्ट डे पर। हाँ। हम मिलते रहेंगे और इसी तरह से हमारा न्यू वीडियो आते रहेगा, नहीं और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने उत्तराखंडी भाई को सपोर्ट कीजिए। आज हमने मेहनत बहुत करी है और काफी ज्यादा मेहनत से ये वीडियो शूट हुआ गाइस, और काफी ट्रेवल करने के बाद, वो भी साइकिल से ट्रेवल करते करते हम यहाँ पर आ रहे हैं, आज टाइम भी हो ही गया, अब निकलते हैं। आप लोग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट है, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, और मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मैं आते रहूंगा, अगर टाइम लगेगा, अगर एक साथ छुट्टी तो हम घूमते रहेंगे ऐसे, आपको दिखाते रहेंगे हर एक चीजें गोरखपुर में क्या क्या होता है कैसे, आप जुड़े रहिए, जब भी मौका मिले देखें।
हाँ तो गाइज अब हमारा बिलिंग भी हुए, बिलिंग के लिए हरदा लगे हुए हैं यहाँ पे मुलत खड़े का हैं। के तो देखना गाइज आप बिलिंग कितना गया कार्ड खाली कार्ड अभी मैं तुमका चेहरा दिखाऊंगा इनका देखना कैसा शायद काम नहीं कर रहा है, शायद काम नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है शायद काम नहीं कर रहा। कैश ले लो फिर, कैश नहीं चाहिए तो सही दे दो रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ कैश, बोला कार्ड कैश और ऑनलाइन होता है ना वहाँ पे, सॉरी ये कार्ड और पेटीएम में होता है यूपीआई। तो गाइज ऑलमोस्ट अभी देखो हरीश का चेहरा देखना, हरीश का चेहरा देखो 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 हरीश का चेहरा दिखा रहा हूँ वहाँ ये देखो। तो गाइज ऑलमोस्ट जाने के बाद ऑलमोस्ट सबका शॉपिंग हो चुका है, अब खाली मैं ही बचाऊँ और फिर नेक्स्ट ब्लॉग पर नेक्स्ट डे पर हम मिलते रहेंगे। और अपने भाई उत्तराखंडी भाई को बहुत प्यार सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट, गुड नाइट भाई।